नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। खबर आगर मालवा से है, जहां जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाबूलाल यादव ने प्रेस वार्ता कर कहा कि भाजपा ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है। लेकिन कांग्रेस हाल ही में ओबीसी को अधिकार दिलाएगी, वो कांग्रेस पार्टी ने आने वाले निकाय चुनाव में 27% पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को टिकट देंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव कराने का फैसला इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने माननीय अदालत के सामने ओबीसी के बारे में भ्रामक व आधी अधूरे तथ्य प्रस्तुत किए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य सरकार से यह भी कहा कि यह प्रस्ताव पारित व केंद्र सरकार के संविधान में संशोधन करने का आग्रह करें, ताकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को संवैधानिक अधिकार मिल सके। ओबीसी वर्ग के हित में उठाए गए एक ऐतिहासिक कदम के लिए हम माननीय कमलनाथ का आभार व्यक्त करते हैं। जी, आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज आगर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको और हम सबको विदित है कि पिछले 6 महीने से लगातार ओबीसी वर्ग आरक्षण को लेकर पूरे प्रदेश में गतिविधियां चल रही थी। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने पूर्व में भी अपनी मंशा ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर साफ थी, आज भी साफ है, भविष्य में भी उनकी मंशा साफ है। कमलनाथ जी ने जब 15 महीने की सरकार थी, 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को देने का प्रावधान लागू करने की प्रक्रिया की थी और उसके तत्काल बाद सरकार गिर गई। उसके उपरांत जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो इन्हें ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरह से पूरे प्रदेश में गलतफहमियां पैदा की वो आपके और हमारे बीच में है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 11 मई 2022 को घोषणा की है कि पार्टी ने तय किया है कि आने वाले निकाय चुनाव में पार्टी पिछड़ा वर्ग के 27% प्रत्याशियों को टिकट देगी। श्री कमलनाथ जी ने यह घोषणा ऐसे समय पर की जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव कराने का फैसला इसलिए किया क्यों